मामे भांजे की लड़ाई में अब पार्टी के प्रवक्ता लोग भी बोलना शुरू। पार्टी के प्रवक्ता का देखिए कोई अजूद नहीं ना है जी, पटिया हम ही न सींचे हैं, हमारे पटिया के प्रवक्ता है ना, उसको समझदारी हो जाएगा, बाद में समझेगा। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ आरजेडी के लोगों ने साधु यादव को जमकर सुनाया है, क्योंकि जिस तरह से साधु यादव बीते कुछ दिनों से लगातार लालू परिवार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इतना ही नहीं परिवार के सदस्यों की पोल खोलने की बात कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी प्रवक्ताओं का कहना है कि साधु यादव अपने होश में नहीं है और वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ऐसे में साधु यादव ने अब उन प्रवक्ताओं को भी जवाब दिया है जो साधु यादव के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बता दें कि साधु यादव ने न्यूज फॉर नेशन से बातचीत के दौरान कहा है कि प्रवक्ता कोई नहीं होते, कुछ भी कहने वाले साधु यादव ने ही आरजेडी को सींचा है और जितने भी प्रवक्ता आज आरजेडी में मौजूद हैं उन सभी लोगों को साधु यादव ने ही सींच कर आगे बढ़ाया है। ऐसे में उन लोगों का कोई वजूद ही नहीं है। क्या कुछ कहना है साधु यादव का, किस तरह से आरजेडी के प्रवक्ताओं को लेकर साधु यादव का गुस्सा देखने को मिला, आप पहले उनके इस पूरे बयान को सुनिए। मामे भांजे की लड़ाई में अब पार्टी के प्रवक्ता लोग भी बोलना शुरू। पार्टी के प्रवक्ता का देखिए कोई अजूद नहीं ना है जी, पटिया हम ही न सींचे हैं, हमारे पटिया के प्रवक्ता है ना, उसको समझदारी हो जाएगा, बाद में समझेगा, जो बोल रहा है वो खुद समझेगा कि हम कहाँ हाथ डाल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। परिवार में हाथ डालने का किसी को अधिकार नहीं है, और जो लोग डाल रहे हैं वो अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ में आ जाएगा। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के बाद से ही ये पूरा बवाल बिहार में देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं मामा साधु यादव का गुस्सा भी देखने को मिला जब वो तेजस्वी यादव के दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर बयान जारी किया गया उनकी तरफ से। इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी भी तेजस्वी यादव को अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। लेकिन सबके बीच जिस तरह से साधु यादव ने एक फोटो जारी करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने उसी लड़की के साथ फोटो वाली लड़की से शादी की है जिस फोटो वाली लड़की के साथ वो पिछले लगभग 6 से 7 साल पहले नजर आए थे, और यही वजह है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया कि साधु यादव झूठ बोल रहे हैं, गलत फोटो दिखाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में न्यूज फॉर नेशन से बातचीत के दौरान साधु यादव ने प्रवक्ताओं को चुप करवाया, उनको जवाब दिया और साथ ही ये भी कहा कि वो कोई नहीं होते परिवार में दखल देने वाले, वो बाहर के लोग हैं और ऐसे में परिवार के बीच उन्हें बोलने का कोई हक नहीं है। फिलहाल के इतना ही, ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।